Hello friend, welcome my YouTube channel Learn Together. How to talk at a parents teacher meeting? English conversation in parents meeting. Parents meeting में English में कैसे बातचीत करें? हम बच्चे किस स्कूल जा रहे हैं या कहीं भी हम क्वेश्चन का आंसर किस तरह दें? इस मैटर पर आज हम चर्चा करने वाले और यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए यदि आप पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं तो फ्रेंड्स इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए इंग्लिश से रिलेटेड नॉलेज से रिलेटेड तो यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं और प्राप्त करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जल्द से जल्द नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। सबसे पहला मैटर आता है, टॉपिक जो है हमारा कॉन्फिडेंस। इट इज़ लाइकली फॉर यू टू फील लेस कॉन्फिडेंस एंड हैंस हेजिटेंट अबाउट अटेंडिंग द मीटिंग, द मेन रीज़न बीइंग द लैंग्वेज इंग्लिश। हमें कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम जब कोई क्वेश्चन का आंसर देते हैं यदि हमें इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान नहीं होता है तो हमें हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो जाता है और हम घबराने लगते हैं, तो वह होना नहीं चाहिए। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, इंग्लिश सीखें और क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंस से दें। डू यू थिंक इट इज़ वर्थ मिसिंग आउट ऑन अ सच सर्कल मीट इन योर चाइल्ड्स लाइफ फॉर समथिंग एज बेसिक एज लैंग्वेज। साधारण लैंग्वेज आप क्वेश्चन का आंसर दें। आप यदि पेरेंट्स मीटिंग में हैं और कोई क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा जाता है और अपने बच्चे के बारे में यदि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश में क्वेश्चन का आंसर दें यदि आपसे इंग्लिश नहीं आती है। थर्ड टॉपिक है सिचुएशन, परिस्थिति यदि ऐसी आती है। You have been called to your child's school for a parents teacher group meeting. It's the first time you are meeting the class teacher and you are needed to convince with her. यदि पहली बार आपको बच्चे के स्कूल में बुलाया जा रहा है पेरेंट्स मीटिंग और ग्रुप में मीटिंग हो रही है और आपसे उनके साथ कन्वर्जेशन करना है इंग्लिश में तो आप कैसे करें? उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और यदि इंग्लिश में आप पेरेंट्स मीट इंग्लिश में चर्चा होती है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्जेशन करें, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके सामने है रीता, आप यदि मदर हैं, गुड मॉर्निंग आई एम रीता सिद्धिस मदर, होप यू आर डूइंग वेल टूडे। अपर्णा टीचर, गुड मॉर्निंग रीता, इट्स नाइस टू फाइनली मीट यू, आई एम डूइंग जस्ट फाइन। आप इसे हिंदी में समझने की कोशिश करें कि मैंने यह क्या पूछा है आपसे और क्या बोला है, तो आप इसको हिंदी में समझें। नीता, आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दैट टू एनहेंस ऑलवेज लर्न ऑफ अर्ली एट प्लेस। अपर्णा, अपर्णा दैट्स वेरी सिमिलर टू माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स। रीता, दैट्स नाइस। So, Aparna, what exactly are we discussing in today's meeting? If you don't mind my asking you. तो फ्रेंड्स आप इसे हिंदी में समझने की प्रयत्न करें। Aparna, oh, not it's all good. There's an annual day coming up and we a teacher aren't enough for a volume of children to be handled on the chaotic day. We decide on such days for some reason. The children get all boisterous and uncontrollable. We are on the lookout for parents who can help us out with the children's, the events, backstage management and handling and distributing the snacks. Rita, wow, you teachers really work hard. I would love to help. Let's see which department I fit into. Aparna, sure. यहाँ पर रीता टीचर्स के काम के बारे में प्रशंसा कर रही है। रीता, अपर्णा, How is Siddhi in the class? Attentive on distracted? Aparna, Siddhi is a very bright student. She is on the quieter side and often need to be motivated to speak
loud. Rita, that surprise. Sees the loudspeaker of our house and naughtiness is always on her mind. Nevertheless, I am glad that that's not the class in school. She is definitely a little she and I will have to work on her public speak skills. Aparna, a brilliant student otherwise, both on the education as well as extra curricular front. Rita, I would take that as a compliment on Siddhi's behalf. Thank you. How is this video? Tell me on comments. Thank you for giving your valuable time. We will meet next video come soon. Thanks for watching this video. Take care. Bye.